पा रहे हैं पाकिस्तान सस्ते की बात करता क्यों नहीं है, सब कुछ महंगा लेने के लिए क्यों आमादा है? क्योंकि ईरान को लेकर अब भारत की नकल भी करनी शुरू कर दी है पाकिस्तान ने, और यही बड़ी खबर इस वक्त की है। अमेरिका की धमकियों को अब अनसुना कर रहा पाकिस्तान, वो ये नहीं समझ रहा है कि उसकी स्ट्रेटेजिक और डिप्लोमेटिक सिचुएशन ऐसी नहीं है। ईरान से अपने संबंध बढ़ाने की कोशिश में है पाकिस्तान। ईरान से व्यापार करने पर अमेरिका ने चेतावनी दी हुई है, प्रतिबंधों की बात की है, और पाकिस्तान भारत की नकल करते हुए भारत की तरह स्वतंत्र विदेश नीति अपनाने की कोशिश कर रहा है। तेजेंद्र त्यागी साहब, पाकिस्तान वो कहते हैं ना कौआ चला हंस की चाल अपनी भी भूला, वही स्थिति हो रही है। आपने अपनी हैसियत इतनी बनाई नहीं कि आप कहीं पर बार्गेन कर सकें, कहीं अपनी बात मनवा पाएं, और आप केवल इसलिए कि भारत अपनी फॉरेन पॉलिसी को और अपनी बाकी दूसरी पॉलिसी को अलग रखता है, उस तरीके से बस वो कॉपी करने की तरह चल रहे हैं। अमेरिका ने साफ कह दिया ईरान के साथ आप रिलेशन करेंगे तो सैंक्शंस लगेंगी। क्या पाकिस्तान केपेबल है? IMF के सामने हाथ फैला रहा है और सैंक्शन से हटते हुए ईरान के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान अगर चाहे भी तो वो नहीं कर सकता, यानी कि जब अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगा दी है तो अब पाकिस्तान ईरान से व्यापार नहीं कर सकता। लेकिन सर, पाकिस्तान चोरी के ऊपर, षड्यंत्र के ऊपर, आतंक के ऊपर और टेबल के नीचे से काम करने के अंदर माहिर है। अगर कोई वैल्यू पाकिस्तान में है तो वो न्यूसेंस वैल्यू है, यानी कि ईरान के साथ जो उसका गैस पाइपलाइन का संबंध है वो सैंक्शंस के बावजूद उन्होंने इस तरकीब से काम करना शुरू किया है कि आप शुरू तो कर दीजिए, कुछ समय पश्चात देखा जाएगा सैंक्शंस हट जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान की इस वक्त स्थिति ये हो चुकी है कि उसे मजबूरन हिंदुस्तान का तारीफ करनी पड़ रही है, क्योंकि उसके लोग POK के लोग हिंदुस्तान में मिलना चाहते हैं, और अब वो ताकत से काम ले नहीं सकता क्योंकि उसे समझ में आ गया कि जब ईस्ट पाकिस्तान के डोसाई लोगों को भी वो ताकत से नहीं दबा सका तो बलूचिस्तान की मार्शल रेस को वो ताकत से कैसे दबा पाएगा। ये जो वहां के बुद्धिजीवी लोग हैं उनकी समझ में आ चुका है, लिहाजा अब वो इस रास्ते में है कि हिंदुस्तान की तारीफ की जाए, किसी तरह से ट्रेड दोबारा शुरू हो जाए और हमें पेट भरने के लिए रोटी मिल जाए, और हाँ, और उसके बाद उसके जरिए कमाए गए पैसों का इस्तेमाल अपने ईस्टर्न सेक्टर पर आसानी से किया जा सके। खैर, एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। पाकिस्तान के पंजाब में किसानों पर लाठी चार्ज हो रहा है, गेहूं खरीद के संकट के बीच किसानों पर लाठी चार्ज हुआ है। पंजाब पुलिस ने 200 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। लाहौर में 200 से ज्यादा किसान गिरफ्तार हुए हैं। सूबे की CM मरियम के वायदे हवा हवाई हो गए। मरियम सरकार गेहूं नहीं खरीद रही है, हालांकि मरियम जब किसी प्रोग्राम में जाती हैं तो आर्मी की वर्दी पहन के जरूर जाती हैं।